हम लोग बिजली पूरी दुनिया को फ्री में दे सकते हैं, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ। अब भारतीय वैज्ञानिक सब इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया का 80% थोरियम भारत के पास, तो भारत के पास पैसा ही पैसा होगा। कई हजार ट्रक क्या लाइए, कोयला लाइए और उसमें आग लगाइए, उससे जितना ऊर्जा होगा इतने बड़े यूरेनियम के टुकड़ा से हो जाएगा, तो महंगा देगा कि नहीं देगा? दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम समझ में आ गया। तो सोना चांदी के गहना से कोई फायदा है? सीधे किसका गहना लीजिए? यूरेनियम। जिस मोहल्ला से गुजरिएगा मोहल्ला साफ, लेकिन गुजरने से पहले आप ही लोग गुजर जाइएगा, पता चला ये नकिया में लटका लो, सीधे रेडिएशन दिमाग में, खत्म कहानी। दिमाग में लेकिन नुकसान नहीं करेगा। हाँ, आगे बढ़े। तो देखिए, भारत के पास यूरेनियम नहीं है, भारत के पास यूरेनियम नहीं, बहुत कम मात्रा, हमें खरीदना पड़ता है यूरेनियम और बहुत महंगा बिकता है यूरेनियम। अब भारत के पास सबसे ज्यादा मात्रा में थोरियम है, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में थोरियम है। क्या है? थोरियम। अब भारतीय वैज्ञानिक सब इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि थोरियम में कैसे विस्फोट किया जाएगा, क्योंकि फिर थोरियम में जब विस्फोट करेंगे तो उसमें कैडमियम या बोरॉन की छड़ से कंट्रोल नहीं होगा। अब उसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि अब ये किस चीज से कंट्रोल होगा। दूसरा, वो भारी जल और ग्रेफाइट से कंट्रोल नहीं होगा, सारे चीजों का विशेषता अलग अलग होती है, समझ में आ गया कि नहीं? अब घोड़ा लगाम से कंट्रोल होता है, तो भैंसों में लगाम लगाएंगे क्या? भैंसा काट देंगे, लगाम काट दिया यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? सबका अलग अलग है यहाँ पे, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो अभी भारत किस पे रिसर्च कर रहा है? थोरियम पे। पूरी दुनिया का 80% थोरियम भारत के पास, और अगर भारत ने थोरियम पे रिसर्च कंप्लीट कर लिया तो भारत के पास पैसा ही पैसा होगा। समझ में आ गया बाबू भैया? पैसा ही पैसा होगा। समझ में आ गया कि एक यूरेनियम खरीदना नहीं पड़ेगा, दूसरा थोरियम बेचेंगे लोग, और बिजली, बाप रे, हम लोग बिजली पूरी दुनिया को फ्री में दे सकते हैं। भारत के पास यूरेनियम ज्यादा है कि थोरियम? भारत और ब्राजील मिलके थोरियम पे क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, क्योंकि दुनिया का 80% थोरियम भारत को, अब बचा 20% ब्राजील के पास। दोनों के पास क्या होगा? पैसा ही पैसा होने वाला है, अगर रिसर्च हो गया तो, और हम लोग को बिजली की कोई कमी नहीं होगी, तब सब लोगों को दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली मिल सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी दुनिया को हम लोग 100 साल तक बिजली दे सकते हैं फ्री में, तो भी हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, इतना भारत में क्या है? थोरियम है। सोचिए, लेकिन अमरीका, यूरोप, जिनके पास ये सब की टेक्नोलॉजी है, वो नहीं चाहते हैं कि थोरियम से बिजली का मतलब उत्पादन हो, क्योंकि बेचारा दिक्कत हो जाएगा उन सबको। भारत से क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। अब भारतीय इंजीनियरों को इस सब पे सोचना चाहिए, भारतीय वैज्ञानिकों को, सरकार को इसको प्राइवेट एक बार कर, लेकिन प्राइवेट कर भी नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा चीज को प्राइवेट कंपनी के हाथ में देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आएगी नहीं क्या? प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कोनो इंजीनियर को बाहर कर दे, कोई मतलब जवाबदेही उतनी नहीं होती जितनी गवर्नमेंट वाले की होती है। तो इस पे रिसर्च चल रहा है।